गाड़ी में दिक्कत होने ही नहीं वाला, होने नहीं। 130 पॉइंट से चेक करके गाड़ी आता है, जहाँ पे ज्यादा ही सस्ता मिल रहा है ना वहाँ पे दिक्कत कुछ ना कुछ होगा दोस्त। हाँ ये तो है, क्योंकि ये बिजनेस है। कोई अगर ये बोल रहा है मेरा जो भूखे बहुत कम है, देखिए बिजनेसमैन बिजनेस करता है करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके प्रॉफिट के लिए, कोई फ्री में नहीं कर रहा है। इस रहम में और नहीं तो वहम में मत पड़िए। देख लीजिए दोस्त, एवरी सील इज एब्सोल्युटली इंटैक्ट। आइए यहाँ पे सी ऑल दी पंचेस, ये सब मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर गाड़ी बहुत यूज होगी तो ये पावर विंडो की कंडीशन ऐसा इवन, नहीं इवन और एक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, वो एक्सेलरेटर पैडल और ब्रेक पैडल और क्लच पैडल को दिखाओ, कैमरा पर्सन को हम बोलेंगे, ज्यादा यूज हो रहे ना वो फ्लैट हो जाता है। हाँ, वो जो रबर का ऐसा निशान है ना वो फ्लैट हो जाए। देखिए ये प्राइस में दिए, कोई आज तक बोला कि फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कोई आज तक बोला VMT वेरिएंट है, वो भी टॉप ऑफ दी लाइन, बोला पेट्रोल वेरिएंट कम किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, रिकॉर्ड के साथ है सर्विस, तब प्राइस में दीजिए तब मजा है। एलॉय देख के ही पता चल गया होगा शायद तुम्हें, ये सिर्फ SX नहीं है, ये SX प्लस है, उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये पेट्रोल में है, उसके ऊपर ये ड्यूअल टोन में है। डस्टर डीजल में कितना किलोमीटर चलना चाहिए? 60-65 हज़ार होना ही चाहिए, 50 तो भाई एनी डे ये डीजल डस्टर लोग लेते ही चलाने के लिए। भाई 28,000 किलोमीटर जो चला हुआ है, आप बताओ, सिर्फ 14,000 किलोमीटर चला ये हुआ। कलर में मैं खाली इनका डीलरशिप में पहली बार देख रहा हूँ। सिर्फ 18,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 18 का मॉडल है, 28 तक टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सिर्फ 16,000 किलोमीटर चला हुआ। ये भी 16,000 चली हुई है, 19,000 किलोमीटर चला हुआ है, ओनली 19,000 हो रहा है। किलोमीटर का खेल ये होता है, किलोमीटर का खेला। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कंडीशन बहुत सही है, ये VXI है, यानी इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल रिमोट लॉक, ये ऑटोमेटिक ORVM है। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी, आंखों को नीचे नीचे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू एपिसोड में, न्यू व्लॉग में। आज का वीडियो में दिखाऊंगा क्वालिटी, जो कि हर वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन आज का गाड़ियों की क्वालिटी जो होने वाली है ना, एकदम टॉप नॉच होने वाली है, क्योंकि मैं आज आ चुका हूँ उड़ान ऑन व्हील्स पे, जहाँ पे क्वालिटी ही प्रायोरिटी है। जैसे कि हम मैं बोलते रहता हूँ कि क्वालिटी में फोकस करें, क्वालिटी में फोकस करें, तो एकदम मेरे ही थॉट के हिसाब से भैया सोचते हैं। एकदम भैया वेलकम, थैंक यू सो मच राहुल, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। लास्ट महीने में राहुल का बिजी शेड्यूल था, क्योंकि हम तो प्रॉमिस किए कि हर महीने में राहुल के चैनल में वीडियो आएगा, दो ही एक चैनल में आता है, हम लोग ज्यादा चैनल में नहीं आते, तो राहुल का बिजी शेड्यूल के कारण हो नहीं पाया। तो इस महीने में हम पहले से ही राहुल को बुक कर दिए, राहुल ये डेट में, तो राहुल बोला एकदम दादा 100% काम होगा। तो वेलकम टू उड़ान ऑन व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड, आई एम दीपांशु रॉय, डायरेक्टर उड़ान ऑन व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। लोकेशन तो बहुत सारे लोग जानते हो, लेकिन जिन लोग नया देख रहे हो वीडियो, उन लोगों के लिए बता दें कि 2A लेक रेंज, कलकत्ता 7,26,000, नियरेस्ट दो मेट्रो स्टेशन है, एक ही आपका रविंद्र सरोवर और एक है कालीघाट मेट्रो स्टेशन। कालीघाट मेट्रो स्टेशन से अगर आप आ रहे हो तो 3 नंबर गेट से आप निकलो, वहां से 150-200 मीटर का बस वॉकिंग डिस्टेंस है, बस स्टॉपेज दोनों है, एक रशबिहारी, सेकंड है आपका मुदियाली, और रेलवे स्टेशन है टॉलीगंज रेलवे स्टेशन, साधन एवेन्यू में लोकेटेड है, हार्ट ऑफ साउथ कलकत्ता, सबसे इजी लोकेटेड है। आप कहीं से भी आओ, आप वहां से एक साइड से आओ, यहाँ से आप रूबी से आओ, आप कहीं से भी आओ, आपको बहुत ही इजिली बेहाला से, चाहे ना आपकी कौशबा से आओ, एकदम मिडिल में है रशबिहारी। और एक ऊपर वाला बात की, एक जो ऑफरिंग हर महीने चलता है, 365 दिन चलता है, सबसे ऊपर वाला बात, 1.5 साल से ऊपर हो गया हम ये फीचर दे रहे कस्टमर को, ये ऑफरिंग दैट इज, अगर आपके घर में कोई डायलिसिस पेशेंट है, घर में अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कोई फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, स्पेशली एबल्ड और नहीं तो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है। जो भी डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग कोट करते हैं वीडियो में, उससे भी ऊपर जाके हम लोग ट्राई करते हैं, जितना बेस्ट टू बेस्ट उन लोगों के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट करना पॉसिबल है हम कर देते हैं, ये कस्टमर के लिए हम लोग देते हुए आ रहे हैं। एंड सिर्फ ये उड़ान ऑन व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड ही कर रहे हैं लास्ट 1.5 साल से, आज तक ये फीचर, ये ऑफरिंग कोई नहीं लेके आए, हम लेके आए क्योंकि हम लोग का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी CSR के अंदर पड़ता है। बाकी कोई भी आप गाड़ी लेंगे तो उसमें इंजन, गियरबॉक्स का लिखित रूप में सर्टिफिकेट वारंटी मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। आप चाहे मैकेनिक लेके आइए, गाड़ी चेक करवाइए, 1,000 बार टेस्ट ड्राइव लीजिए,
फिर समझ में आया, फिर बुकिंग करिए। आपका जो गाड़ियों का स्टॉक है, मतलब उसमें वारंटी देने का जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। एकदम, बट स्टिल देखिए, कस्टमर को भी मुझे ना सेफ एंड सिक्योर फील करवाना है, फील करवाना कि कोई भी दिक्कत होने से हम हैं आपके लिए, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत ही है नहीं। एकदम। एंड बाकी आप बस आ जाइए एक बार, वीडियो कॉल में भी गाड़ी आप देख सकते हो, उसका भी सुविधा है। आप एक स्लॉट बुक कर लीजिए, कौन सा टाइम में आपको देखना है, अगर आप बहुत दूर से हो, वीडियो कॉल में गाड़ी बुक मतलब देखिए, फिर आप बुकिंग करिए, कुछ भी करिए, फिर आप आके देखेंगे कि गाड़ी में खराबी है, गाड़ी ठीक नहीं है, तो जो भी बुकिंग करेंगे फुल रिफंड हो जाएगा, फुल रिफंडेबल अमाउंट है। अगर गाड़ी में खराबी है तो, अगर आप आपके हिसाब से कैंसिल करेंगे तो देखिए फुल रिफंड तो नहीं होगा, एक छोटा सा मिनिमलिस्टिक अमाउंट कट हो जाएगा एज प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि आपके लिए गाड़ी होल्ड हुआ है। बट गाड़ी में अगर दिक्कत है तो फुल रिफंड, क्योंकि गाड़ी में दिक्कत होने नहीं वाला, होने नहीं। 130 पॉइंट से चेक करके गाड़ी आता है, तो बेझिझक आइए, गाड़ी देखिए। आप लोगों के आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत से इस महीने में वीडियो में ज्यादा स्टॉक हम दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि गाड़ी आया और गाड़ी निकल गया। पिछले बार आपका बहुत सारा स्टॉक था, 25 गाड़ी का स्टॉक दिखाया था लास्ट मंथ भी आपका 24-25 गाड़ी था। इस महीने में गाड़ी थोड़ा कम है, क्योंकि सारे गाड़ी निकल गया, ये सेकेंड लॉट स्टॉक है और आपका टेस्ट कुछ अलग है। इसलिए हर गाड़ी हम नहीं लेते, नहीं करते। बहुत ज्यादा मतलब हम लोग रिजेक्शन मारते गाड़ी में, ये गाड़ी नहीं चलेगा, वो गाड़ी नहीं चलेगा, तो फाइनली जाके ये सेकेंड लॉट आया है, सेकेंड लॉट का ही वीडियो बना रहे। फर्स्ट लॉट 20 तारीख के अंदर फुल क्लियर कर दिए, ये सेकंड लॉक स्टॉक लेके आए, इसमें आप मजा उठाइए, स्टॉक मजा उठाइए। तो आप बोलो राहुल कौन सा गाड़ी से स्टार्ट करना है, एसयूवी की सेडान, इसी लाइन से जाएंगे पहले, इसी लाइन से जाएंगे, जो राहुल बोलेगा वही होगा। बिल्कुल। तो ये आपका होंडा सिटी है, होंडा सिटी 15 का है, 25 तक टैक्स पेड है, 15 का लास्ट का ही गाड़ी है। VX है, यानी सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक ओआरवीएम, अलॉय व्हील, फॉग लैंप, सारे फीचर्स के साथ है। थर्ड जनरेशन आईवीटेक पेट्रोल में Honda City, 45,000 किलोमीटर ड्रिवन, फुल ओरिजिनल पेंट में, मरून कलर में, 15 का गाड़ी, 25 तक टैक्स पेड, वो भी लास्ट का, सनरूफ के साथ, जो प्राइस में आज देंगे, ये प्राइस में VX सनरूफ नहीं मिलता है। VX टॉप मॉडल, टॉप मॉडल गाड़ी है, सनरूफ है ऊपर में, आप देख सकते हो, वो प्राइस में देंगे जो प्राइस में आप सोच भी नहीं पाओगे, 4,69,000 ओनली 4,69,000 में गाड़ी को अपना बनाइए। फाइनेंस का सुविधा फुल इंडिया के लिए है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब 70-80 हज़ार का डाउन पेमेंट करो, बाकी हम लोन कर देंगे, आपके प्रोफाइल के ऊपर है कितना लोन आपका होगा, और सर्विस रिकॉर्ड के गाड़ी है, सील टू सील ओरिजिनल है, तो कोई टेंशन नहीं है आपको कि गाड़ी में ये खराबी है, गाड़ी में वो खराबी है। पेट्रोल इंजन, 45,000 किलोमीटर, ओरिजिनल पेंट, 15 का गाड़ी, 25 तक टैक्स पेड, प्राइस 4,69,000 रहा। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, मतलब कि गाड़ी कितने अच्छे से यूज हुई है, एब्सोल्युटली आप सोच सकते हैं, फुल्ली। एंड इवन और एक बात, चारों टायर ब्रांड न्यू है योकोहामा का, एक बार फोकस कीजिए, फोकस करिए, कैमरामैन थोड़ा बहुत फोकस करके दिखा दीजिए, फोकस करिए। और एक चीज से आप समझ सकते, देखिए अलॉयज में कोई स्क्रैचेस नहीं है, एब्सोल्युटली गाड़ी प्रिस्टाइन कंडीशन में, गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में है। गाड़ी आप सामने से देखेंगे तो गाड़ी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंडीशन में गाड़ी है। ब्रांड न्यू मतलब राहुल, ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी, बिल्कुल। और लेदर अपोल्स्ट्री के साथ है, मतलब लेदर सीट कवर वगैरह सब कुछ है इसमें, ऑटोमेटिक टच पैनल के साथ एसी भी आता है, क्योंकि ये VX से टॉप एंड है, बिल्कुल। आइए राहुल, एक एलीट i20 दिखाते हैं आपको आज भैया, i20 का कलेक्शन बहुत एकदम टॉप एकदम, ऑप्शन भी दे देंगे, क्योंकि यूज कार में ना ऑप्शन मिलने का बहुत ज्यादा मतलब चांस कम हो जाता है, बट यूज कार में आज प्रीओन सेक्टर में आपको ऑप्शन दिखाएंगे, इतना फ्रेश i20 क्या बात, जो सच भी देख रहा है उसको ही पसंद आ रहा है, आपको हैट्स ऑफ है, इतना अच्छा आप गाड़ी उठाते हैं, बहुत पसंद आता है, थैंक यू। देखिए ये रेपुटेशन का गेम है, वी आर 4.9 रेटेड ओवर गूगल और 250 के ऊपर रिव्यू है, ये एक ही लिए पॉसिबल है, एक ही चीज के लिए, आप लोगों का प्यार मोहब्बत और हम लोगों का जो कोशिश है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, इसीलिए। बिल्कुल। 18 का गाड़ी है, नवंबर का स्पेशल नंबर 8585 के साथ है, 28 के नवंबर तक टैक्स पेड है, ड्यूअल टोन है, एस्टा है, टॉप ऑफ द लाइन, व्हाइट नंबर गाड़ी, वीआईपी नंबर गाड़ी, ड्यूअल टोन में है, व्हाइट एंड ब्लैक के साथ, बेहतरीन कंडीशन गाड़ी, एस्टा यानी टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फिर आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी विद क्लीन एयर फैसिलिटी, विद अलॉय व्हील, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमेटिक फोल्डेबल ओआरवीएम, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ ओआरवीएम, फिर आपका एलईडी इंडिकेटर ओवर ओआरवीएम, सारे फीचर लोडेड गाड़ी है। 18 का गाड़ी है, 28 तक टैक्स पेड है, 50,000 किलोमीटर ड्रिवन है, सर्विस रिकॉर्ड के साथ है गाड़ी, बेहतरीन कंडीशन है, एक रुपया का काम दिखा दोगे तो गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे दोस्त, एक रुपया का, वो भी फेसलिफ्ट वेरिएंट, न्यू शेप हनीकॉम ग्रिल के साथ है। हाँ। अट्रक में दो ही शेप आता था, पहले वाला भी मिलेगा आपको थोड़ा कम प्राइस में, लेकिन हम जो प्राइस में देंगे वो पहले वाला से भी कम प्राइस में दे देंगे। 18 का गाड़ी है, 28 तक टैक्स पेड, पेट्रोल, फॉर्च्यूनर, व्हाइट, i20 एलीट, एस्टा, ड्यूअल टोन, और प्राइस जो होने वाला है धमाकेदार प्राइस, 5,29,000
5,29,000 में गाड़ी को अपना बनाई है दोस्त। मार्केट में 5.5 लाख के ऊपर बिक रही है गाड़ी। 5,65, 5,75 का प्राइस चलता है। हम 5,29,000 में जहाँ पे ज्यादा ही सस्ता मिल रहा है ना, वहाँ पे दिक्कत कुछ ना कुछ होगा दोस्त। हाँ ये तो है, क्योंकि ये बिजनेस है। कोई अगर ये बोल रहा है मेरा जो भूख है बहुत कम है, देखिए बिजनेसमैन बिजनेस करता है करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके प्रॉफिट के लिए, कोई फ्री में नहीं कर रहा है। इस रहम में और नहीं तो वहम में मत पड़िए, प्रॉफिट हर किसी को रखना है, किसी को कम किसी को ज्यादा। सही, लेकिन बहुत ज्यादा अगर गैप हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें। आप खुद सोचिए ना, आप तो इतने समझदार है दोस्तों, सब जगह में आप देखते हैं सस्ती चीज कभी अच्छी होती ही नहीं है। आप खुद एक सस्ती चीज को कैसे सोच सकते हैं कि अच्छी दोस्त होगी? ये देखो, ये अर्मनी एक्सचेंज का तुम टी शर्ट पहने हो, यही सेम कॉपी वाला माल तुमको 150 में मिलेगा। अगर अर्मनी एक्सचेंज में ये मिनिमम 1,000 रुपीज का टी शर्ट है तो फर्क तो है, क्वालिटी में फर्क, क्वालिटी में फर्क 100% होगा। उसमें आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, इसमें कंफर्ट मिलेगा। वही बात है, वही बात है। बट क्या है कि हम लोग ट्राई करते हैं जितना मिनिमलिस्टिक रेट में आपको गाड़ी दे और जितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे पाए आपको, वही कोशिश हम लोगों का डे वन से करके आ रहे हैं 2 साल से। राहुल मेरा फर्स्ट एक यूट्यूबर है जो मेरा ऑफिस को, मेरा डीलरशिप को कवर किया था, तो उसको पता है हम लोग भाई 3 गाड़ी से बिजनेस स्टार्ट किया, 30-35 गाड़ी का स्टॉक रहता है। बिल्कुल, ये बस मोहब्बत प्यार है, आप ही का सपोर्ट है, क्योंकि जो क्वालिटी को समझते हैं आज उनके लिए इस जगह पे आए। एकदम एकदम। तो गाड़ी का प्राइस 5,29,000, ब्रांड न्यू कंडीशन विद सीट कवर भी लगा हुआ है, 1 रुपया काम नहीं है। लोन 100% हो जाएगा अगर आपका सही है सिविल, अगर आपका सैलरी सही है, सब डॉक्यूमेंट सही है, नहीं तो 80% तो आग बंद करके हम कर दिया हो जाएगा। अभी तो देखिए पैन इंडिया लोन का सुविधा आ चुका है, फाइनेंस हो जा रहा है सेकंड हैंड गाड़ी, एकदम एकदम। वो भी टॉप मॉडल गाड़ी आपको इतने अच्छे प्राइस में मिल रही है, क्वालिटी में मिल रही है, तो अगर आप सस्ती गाड़ी लेंगे आपको तो सेम वही पड़ जाएगा, गैरेज में जाके पैसा देना। तो भाई सिर्फ गैरेज का, सिर्फ पैसों का बात नहीं है, गाड़ी कौन लेता है जिसका यूजेज है, राइट, जिनका शौक है, यूजेज है, तो अगर आपका समय जो है, टाइम जो है, वो ज्यादा कीमती है और शौक के लिए भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। आप गाड़ी ले लिए, गाड़ी आपको कोई बोला एस्टा मिल रहा है 4.5 लाख में, आप ले लिए जाके, फिर जाके गाड़ी एक्सीडेंटल मिला, गाड़ी एक तरफ भाग रहा है, गाड़ी का एयरबैग खुल गया, तो फायदा क्या है वो सब गाड़ियों में। गाड़ी लेना है तो भाई परफेक्ट चॉइस करना है, राइट। तो आइए और एक होंडा सिटी, ये होंडा सिटी है, सेम आई वी टेक, इसमें भी चारों ब्रांड न्यू MRF का टायर लगा हुआ है जी। पीछे दोनों सीएट है, सामने दोनों MRF है, वो कस्टमर का चॉइस है, क्यों किया मुझे भी पता नहीं है। तो ये होंडा सिटी है, ये भी पेट्रोल IVTEC 15 का मॉडल, ये भी पेट्रोल IVTEC 15 का मॉडल, 34,000-35,000 किलोमीटर चला हुआ है, ये भी सर्विस रिकॉर्ड के साथ, फर्स्ट ओनर गाड़ी, बेहतरीन ब्राउन मेटालिक कलर का नाम होता है ये, और वो जो पहले वाला होंडा सिटी दिखा है वो आपका मरून के अंदर था, ये भी 15 का मॉडल है, ये VMT है, वो VXMT था, इसमें सिर्फ सनरूफ नहीं है, सनरूफ छोड़ के सब सेम है, और पुश बटन छोड़ के, हाँ। सनरूफ और पुश बटन छोड़ क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, सब बोला ना सब सेम है, सिर्फ दो फीचर आपको नहीं मिलेगा, एक है आपका सनरूफ और है आपका पुश बटन स्टार्ट, बट जो प्राइस में गैप देंगे उसमें आपको समझ में आएगा। जिनका बजट कम है, एक ऑल्टो आजकल के रेट में आपका 5,55, 5,20 का मिल रहा है, और ऑल्टो KTL लेने जाओ तो हम खुद चौक जाते हैं, 6.5 लाख का दाम है भाई इतू सा गाड़ी का, उसका तो बहुत कम प्राइस में होंडा सिटी का मजा उठाइए। 35,000 चला हुआ गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट में, 15 का गाड़ी, 25 तक टैक्स पेड, चारों ब्रांड न्यू टायर के साथ, VMT वेरिएंट यानी फॉग लैंप, ऑटोमेटिक ORVM, LED इंडिकेटर, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटो टच पैनल, क्लाइमेट कंट्रोल, AC, म्यूजिक सिस्टम, सब फीचर्स के साथ, रिवर्स कैमरा के साथ, आते प्राइस में धमाका धमाका। ये प्राइस में कभी सोच नहीं पाए आपने कि होंडा सिटी वो भी 15 का मिलेगा, चाहे 14 का मिल जाए, ये प्राइस में 14 का यही रेट है, बट हम 15 वाला ऑफर कर देंगे यही प्राइस में। तो प्राइस होने वाला है सिर्फ के सिर्फ कितना, 3,99,000 में होंडा सिटी, होंडा सिटी वो भी 15 का, थर्ड जनरेशन पेट्रोल फर्स्ट ओनर गाड़ी, कोई सेकंड थर्ड ओनर का मतलब झमेला नहीं है, कोई डीजल गाड़ी का झमेला नहीं है, होंडा सिटी डीजल में उतना डिमांड नहीं होता है, जब होंडा सिटी डीजल हो जाता है, सेकंड थर्ड ओनर हो जाता है, उसमें लोग खेल देते हैं प्राइस में। देखिए ये प्राइस में दिए, कोई आज तक बोला कि फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कोई आज तक बोला VMT वेरिएंट है, वो भी टॉप ऑफ द लाइन, बोला पेट्रोल वेरिएंट, कम किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, रिकॉर्ड के साथ है सर्विस, तब प्राइस में दीजिए तब मजा आएगा, तब मजा। सिर्फ चिल्लाने से, प्राइस चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ओनर गाड़ी 3,99,000, सेम VX लेना है, V लेना है, आपका चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए और एक i20, जो बात राहुल तुमने किया था कि आज दीपान चंदा ऑप्शन देने वाला है i20 में, खतरनाक ऑप्शन है, ये भी आपका 2018 का ही मॉडल है, नवंबर का ही मॉडल है, सेम 28 का नवंबर तक टैक्स पेड है, 32,000 किलोमीटर चला हुआ है, स्टेपनी अनयूज, माटी से पड़ी नहीं, सेम फीचर्स के साथ, अलॉय व्हील, फॉग लैम्प, DRL, फिर आपका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक ORVM, LED इंडिकेटर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सीट कवर गाड़ी में लगा हुआ है आपका,
पीछे का आर्मरेस्ट, पीछे में रियर एसी वेंट, पीछे में डिफोगर, पार्किंग सेंसर, कैमरा, फलाना ढिमकाना सब है, सब कुछ है, सब है, टॉप मॉडल है भाई, एस्टा है, ये बस 12 टोन नहीं है, 18 का गाड़ी है, 32,000 चला हुआ है, 28,000 टैक्स पेड है, आते प्राइस में राहुल, सिर्फ के सिर्फ 5,29,000 सेम प्राइस ऑप्शन इज ऑल योर्स, आपको ग्रे लेना है कि आपको ड्यूअल टोन में व्हाइट लेना है, जो मन करे वो ले लीजिए, वो 50,000 चला हुआ है, ये 32,000 चला हुआ है, देखिए यही फर्क है उड़ान में, किलोमीटर टैंपरिंग का गेम नहीं है, तब तो उसको ही 32 कर देते हम, तब तो भाई वो कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाएंगे ना कि चेक कर लीजिए, मैकेनिक ले आइए, सारे सील दिखाएंगे खोल खोल के, जो भी सील बोलोगे, आइए दोस्त एक बार सील चेक करवा देते, एक गाड़ी का एटलीस्ट, सब गाड़ी का सील दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो खुद आप आके चेक एकदम देख लीजिए दोस्त, एवरी सील इज एब्सोल्युटली इंटैक्ट, आइए यहाँ पे सी ऑल दी पंचेस, ये सब चीज आपको देना पड़ता है, दिखाना चाहता हूं, अगर गाड़ी बहुत यूज होगी तो ये पावर विंडो की कंडीशन ऐसा नहीं रहेगा, इवन और एक इंफॉर्मेशन हम दे दे रहे हैं, वो एक्सीलरेटर पैडल और ब्रेक पैडल और क्लच पैडल को दिखाओ, कैमरा पर्सन को हम बोलेंगे, ज्यादा यूज हो रहे ना वो फ्लैट हो जाता है, हाँ, वो जो रबर का ऐसा निशान है ना वो फ्लैट हो जाएगा, और अगर देख रहे हैं कि 32,000 किलोमीटर चला हुआ है राहुल और बहुत ही नया है, तो आपको ये मानना है कि डीलर ने उसको चेंज कर दिया डीलर ने, इसीलिए है, तो ये सारे चीज में ध्यान में रखिए, लेना है नहीं लेना है आपका मर्जी है, बिल्कुल 18 का गाड़ी है, 28 तक टैक्स पेड, फॉर्च्यूनर 32,000 किलोमीटर ड्रिवन, एलीट i20 एस्टा, सिंगल टोन में है, ग्रे कलर, मेटालिक ग्रे, और पॉलिश करके देंगे, जब ये पॉलिश होगा ना गाड़ी इतना चमकेगा, देखिए एक तो डल वेदर है, और दूसरा जब ये सर्दी का मौसम चलता है तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, पेड़ के नीचे गाड़ी है, इसीलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि डस्ट है गाड़ी के ऊपर, जब पॉलिश मारेंगे गाड़ी नया से एक इंच कम नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है, डिलीवरी ऐसा देंगे कि अब नया गाड़ी का डिलीवरी ले रहे हो, मतलब सेरेमनी, और गाड़ी ऐसा देंगे वो भी आपको फील होगा कि अब नया गाड़ी का लिए, बिल्कुल एकदम लाल कपड़ा बिछा के, एकदम सब कुछ सही है, आइए एक फॉक्सवैगन का वेंटो दिखाते हैं राहुल, तो दिखाते हैं, ये जर्मन मशीन है, पावर पावर पावर, 1.6 पेट्रोल, 1600 सीसी का पेट्रोल इंजन है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये है फॉक्सवैगन का वेंटो, वो भी न्यू शेप, ओल्ड शेप नहीं है, सामने का ग्रिल, हेडलाइट और फॉग लैम्प देखने से, बम्पर देखने से जिनको गाड़ी का थोड़ा बहुत शौक है, आइडिया है, उनको पता चल गया ये न्यू शेप गाड़ी है, ये ओल्ड शेप गाड़ी नहीं है, तो 16 का मॉडल है, 26 तक टैक्स पेड है, 55,000 किलोमीटर ड्रिवन है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, कंफर्ट लाइन है, ऑटोमेटिक आपका ORVM एडजस्टमेंट, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, वो आफ्टर मार्केट मतलब कंपनी से ही लगा हुआ है, अच्छा, क्योंकि हाई लाइन में जो टच स्क्रीन आता है वही टच स्क्रीन कस्टमर ने इसमें इंस्टॉल कर लिया, 35,000 से 40,000 का खर्चा आता है ब्लो पंप का उसका, लेदर सीट कवर वो भी आपका फॉक्सवैगन का ओरिजिनल, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, डबल एयरबैग, ABS, EBD, फॉग लैम्प, सारे फीचर्स के साथ, सिर्फ आप अलॉय व्हील्स चेंज कर लो, अलॉय व्हील्स अगर लगाना है तो लगवा लीजिए, अभी देखिए अलॉय व्हील्स बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी डिजाइन की आ चुकी है, बहुत है। तो अपने हिसाब से लगा, अरे अपने हिसाब से भी नहीं करना है, चलो ना अगर स्टॉक चाहिए कंपनी जैसा देता है वैसे नया अलॉय चाहिए, हाँ चाहिए, मुझे कॉन्टेक्ट करो, इनको ही कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सेम पीस देंगे और कंपनी का 50% डिस्काउंट मार देंगे, चलिए अगर आप बोलेंगे कि हाईलाइन वाला अलॉय चाहिए मुझे बस 5 दिन का समय देना है, एडवांस आपको भेजना है, बाकी हम आपको अरेंज करके दे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल भैया, सब कुछ अंडर वन रूफ हो जाएगा, अंडर वन रूफ है, तो ये आपका 16 का मॉडल है, 26 तक टैक्स पेड, फर्स्ट मंथ 55,000 किलोमीटर ड्रिवन, वेंटो कंफर्ट लाइन, पेट्रोल में है, डीजल में इसका कोई डिमांड नहीं है, पेट्रोल ही लोग चाहते हैं, हाँ क्योंकि डीजल जो वेंटो है पोलो है ना, वेंटो है पोलो है, बैक कंप्रेसर का इशू है, 1.5 लाख किलोमीटर बाद कुछ होता नहीं है इंजन में, तो आते हैं प्राइस में, प्राइस सिर्फ बेस्ट 3,99,399 कभी सुने हो 3,99 में वेंटो, वो भी कंफर्ट लाइन न्यू शेप में भाई 14 का गाड़ी तो 3 लाख का रेट में मिलता है, अब 1 लाख ज्यादा देके 2 साल नया हो रहा है और न्यू शेप मिल रहा है, न्यू शेप इसमें एयरबैग ABS EBD सब मिल जाएगा आपको, बिल्कुल 3,99,000 में आके ले जाइए, 3.5 तक इसका फंडिंग हो जाएगा आराम से, हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, बस आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सही से सबमिट करना है, अगर आपको सब डॉक्यूमेंट सही है तो राहुल आराम से लोन कर देंगे, क्योंकि बैंक बैठा है लोन देने के लिए, लोन दे, और अभी तो बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा मतलब बैंक नहीं है मेरे पास, सब टाई अप नहीं किया हुआ है, सब बैंक है, यू नेम इट वी हैव इट, एवरी बैंक, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, एवरीथिंग आओ, दो ऐसी आई क्रेटा, ओ हो क्या लग रही सच में कौन सा गाड़ी से स्टार्ट करने, क्रेटा ऑलवेज, चलो क्रेटा से स्टार्ट करें इसको, सो दिस इज Hyundai क्रेटा SX प्लस, एलॉय देख के ही पता चल गया होगा शायद तुम्हें, ये सिर्फ SX नहीं है, ये SX प्लस है, उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये पेट्रोल में है, उसके ऊपर ये ड्यूअल टोन में है, डेडली कॉम्बिनेशन, ये कैफेन ब्राउन कलर के ऊपर है, बहुत यूनिक कलर है, बहुत यूनिक कलर है, क्रेटा रोड पे जल्दी नहीं दिखती है एकदम, और ड्यूअल टोन में तो भाई क्या शानदार दिख रहा है, सीट कवर्स न्यू, ब्रांड न्यू, सो 17 का गाड़ी, 27 तक टैक्स पेड है, Hyundai क्रेटा SX प्लस ऑटोमेटिक,
सबसे टॉप ऑफ द लाइन, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अलॉय व्हील, ऑटोमेटिक ओआरवीएम, फिर आपका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फिर सामने डीआरएल प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, फॉग लैम्प, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे में आर्मरेस्ट, सामने में आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, डबल एयरबैग, ऊपर में रूफ रेल और क्या बोले क्रोम डोर हैंडल सब है, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ मॉडल ही है नहीं। और तभी का टाइम पे इसमें सनरूफ नहीं आती, नहीं तब तो नहीं आता था, फिर बाद में आके आया। देखिए सनरूफ वाला क्रेटा लेंगे तो 10 के ऊपर वो खर्चा करना है। तो क्रेटा है SX प्लस ऑटोमेटिक 17 का मॉडल, 27 तक टैक्स पेड, 50,000 किलोमीटर ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड, 1,600 किलोमीटर पहले ही सर्विस हुआ है। सर्विस अब सोच लो मतलब 9,000 किलोमीटर अब बिना सर्विस में ही चलाओगे गाड़ी, उसका भी खर्चा नहीं है, उसका भी खर्चा नहीं है। बाकी गाड़ी का डिटेल्स बोल दिए, कलर बोल दिए, फीचर्स बोल दिए, आते हैं डायरेक्टली प्राइस में। सिर्फ के सिर्फ राहुल प्राइस होने वाला है 7,49,000, 749 में टॉप एंड मॉडल, 749 में ऑटोमेटिक क्रेटा SX प्लस मॉडल नहीं मिलता है फर्स्ट ओनर गाड़ी, तो मार्केट में ऑटोमेटिक है भी है ही नहीं, मैनुअल मिलेगा, लेकिन क्रेटा ऑटोमेटिक का खतरनाक डिमांड है, लोग ऑटोमेटिक पेट्रोल मांगता है कि भाई ऑटोमेटिक दो पेट्रोल दो, एंड माइलेज जो है वो डिसेंट है, मतलब आपका 12 का माइलेज सिटी में ऐसी चला के, और क्या ही लोगे भाई, 1600 सीसी का इंजन है ये, 1.6 क्रेटा, इसमें और क्या होगा, 12 13 एवरी टाइम सिटी में ऐसी चला के, हाईवे में 16 प्लस, तो 17 का गाड़ी 27 तक टैक्स पेड, हुंडई क्रेटा SX प्लस ऑटोमेटिक 7,49,000 लोन हो जाएगा, 100% हो जाएगा भाई। चैनल का नाम लेके आएंगे कुछ नेगोशिएशन, अरे थोड़ा बहुत तो मान सम्मान राहुल के लिए जरूर करेंगे, वो पहले दिन से वीडियो हो रहा है राहुल के साथ, तो इतना तो प्यार मोहब्बत दिखाई सकते हैं हम, बिल्कुल। अब इसको देखो, ये नगीना को देखो, अब नगीना नमूना कुछ भी कह लो, ये तो अलग लेवल है। ये है आपका रेनॉल्ट का डस्टर है, जो रेनॉल्ट डस्टर RX-Z टॉप ऑफ द लाइन, 110 PS, न्यू शेप, 85 PS का डस्टर का भरमार चालू है मार्केट में, ये 110 PS है, RX-Z है, यानी टॉप ऑफ द लाइन है। टायर्स भी नया है अपोलो का भाई, पीछे का टायर तो पूरा नया है देखो, ब्रांड न्यू टायर है, सामने का 70% लाइफ अभी भी बाकी है। तो आते हैं गाड़ी के डिटेल्स के ऊपर, 18 का गाड़ी है, पॉल व्हाइट कलर में है, किलोमीटर डस्टर डीजल में कितना किलोमीटर चलना चाहिए, 60-65 हज़ार होना ही चाहिए, 50 तो भाई एनी डे ये डीजल डस्टर लोग लेते ही चलाने के लिए भाई, 28,000 किलोमीटर जो चला हुआ है, आप बताओ क्या बताए, 28,000 किलोमीटर ओनली ड्रिवन फर्स्ट ओनर, RX-Z 110 PS, सारे फीचर्स के साथ, यानी क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, एलॉय व्हील्स, ऊपर में रूफ रेल, फिर तुम्हारा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, फॉग लैंप, एवरीथिंग, रियर डिफॉगर, वाइपर, सीट कवर लगा हुआ है गाड़ी में, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील सब है, सब कुछ, और सिर्फ 28,000 चला हुआ गाड़ी है, व्हाइट कलर में है, डीजल में है, भरपूर माइलेज है, 17-18 का माइलेज एनी डे देता है, इसीलिए डीजल डस्टर का इतना डिमांड है। एक तो 110 bhp कम नहीं होता है डीजल गाड़ी के लिए, टॉर्क बहुत हाई है इसका, आते है प्राइस में 6,625 के नीचे कोई नहीं दे रहा है। अगर टॉप मॉडल नहीं है तो लोग प्राइस में खेल रहे राहुल की, ये प्राइस में ले जाओ, वो प्राइस में ले जाओ, अरे एक बेस और टॉप मॉडल में जो डस्टर के फर्क था, बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता था आपका मान के चलो आप 8.5 लाख से, और टॉप मॉडल डीजल के चला जाता था 14.5-15 तक, तो कितना फर्क हुआ तुम भी बताओ, 6-6.5 लाख का बस फर्क है अगर बेस और टॉप में है, तो उसमें फायदा क्या है, टॉप मॉडल लेना है, ये 6 गियर के साथ आता है गाड़ी, सिर्फ के सिर्फ 18 का गाड़ी, 28 तक टैक्स पे, 28,000 किलोमीटर ड्रिवन, रेनॉल्ट डस्टर RX-Z 110 PS, पॉल व्हाइट के लिए प्राइस होने वाला है धमाका है, रिपब्लिक डे स्पेशल राहुल के लिए सिर्फ 5,79,000, 5,75,000 में 28,000 चलिए तुम्हारे लिए 5,75 ही कर दिए, 5,79 से 5,75 स्ट्रेट अवे राहुल के लिए, कुछ ना कुछ हम करते जरूर मान सम्मान में, प्यार मोहब्बत में, 5,75 में आप ले जाओ, लोन करो, कुछ भी करो, गाड़ी का भरपूर मजा उठाओ, बिल्कुल। एस्प्रेसो वो भी ड्यूअल टोन में, व्हाइट कलर, ड्यूअल टोन में व्हाइट कलर में, सिर्फ 14,000 किलोमीटर चला ये कलर में, मैं खाली इनका डीलरशिप में पहली बार देख रहा हूँ, और सिर्फ 14,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर चला हुआ, कोई बेस मॉडल नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन, VXI ऑप्शनल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 14,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 21 का गाड़ी है, 26 तक टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, ऑल ओरिजिनल पेंट में है, प्राइस सिर्फ के सिर्फ 399,000, फिर आपका टैन एंड ब्लैक ड्यूअल टोन में सीट कवर लगा हुआ है, स्टेपनी आज भी माटी से पड़ी नहीं, वो भी 2021 का गाड़ी, स्टेपनी कंप्लीटली अनयूज्ड, 21 का मॉडल, 26 तक टैक्स पे, 14,000 किलोमीटर चला हुआ है, मतलब नया गाड़ी है, 3,99,000 प्राइस है, मान सम्मान आपके लिए जरूर होगा,
ऑन दी टेबल, आपके उसके लिए आना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, मैकेनिक लेके आइए, सारे सील चेक करवाइए, गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं वो पहले देख लीजिए, हम तो बोलेंगे कि सब सही है, वारंटी भी देंगे। आपके तरफ से अगर डाउट है तो आप चेक करवा लीजिए, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। 21 का गाड़ी 26 तक टैक्स पे, 14,000 किलोमीटर चला हुआ, प्राइस होने वाला है सिर्फ के सिर्फ 3,99,000। हम रिक्वेस्ट करेंगे कैमरा पर्सन को ये गाड़ी का एक बार इंटीरियर दिखा देने के लिए। नेक्स्ट टू न्यू है, पूरा पूरा नेक्स्ट टू न्यू गाड़ी है, सीट कवर वगैरह सब लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम सिस्टम सब है सब, एंड एस्प्रेसो मतलब गुड माइलेज, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, वेरी गुड रिलायबल इंजन, एंड द स्पेशल पार्ट अबाउट एस्प्रेसो इज रीसेल वैल्यू भी तगड़ा है, बहुत तगड़ा और बहुत ऊपर बैठते हो अब जब गाड़ी चलाते हो तो यू फील लाइक यू ड्राइविंग अ एसयूवी इन अ वेरी स्मॉल बजट। तो आओ उसका ही सेम कंपटीटर दिखा रहे, ऑप्शन इज ऑल योर्स, कौन सा गाड़ी आपको लेना है, ये भी 21 का ही गाड़ी है, 21 का है। सो दिस इज रेनॉल्ट का क्विड, क्विड इज ऑलवेज माय पर्सनल फेवरेट, न्यू शेप है, न्यू स्टीयरिंग व्हील है, डीआरएल है, आपका म्यूजिक सिस्टम है, एयरबैग एबीएस ईबीडी है, ऊपर में रूफ रेल है, म्यूजिक सिस्टम के साथ सेंट्रल रिमोट लॉक है, सब है, सब कुछ टॉप मॉडल, टॉप मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 21 का गाड़ी है, 26 तक टैक्स पेड है, 37,000 किलोमीटर बस ड्रिवन है, सर्विस रिकॉर्ड के साथ है एज यूजुअल। देखिए 21 का गाड़ी 14,000 चला हुआ एस्प्रेसो दिखा है, 21 का क्विड 37,000 किलोमीटर वो भी दिखा रहे, क्योंकि यही है ट्रांसपेरेंसी, जो किलोमीटर है उस हिसाब से ही हम दिखाएंगे, बेस्ट है भाई, 130 पॉइंट से चेक करते हैं। अगर हम अगर कोई भी गाड़ी 1,00,000 चला हुआ भी दिखा देना आपको, अब ये मान के चलाना दोस्त की गाड़ी में दम है, दम है, इसीलिए मेरे पास है। हाँ। 21 का गाड़ी 26 तक टैक्स पेड, मेहंदी कलर में है, फर्स्ट ओनर, न्यू शेप, क्विड, प्राइस सुपर धमाका, सिर्फ के सिर्फ 3,49,000 में अपना, 349 में न्यू शेप क्विड दोस्तों, 3,49,000 में गाड़ी को अपना बनाइए, बेहतरीन गाड़ी है, वेरी गुड इन माइलेज, गुड इन लुक्स, वेरी गुड इन फीचर्स एज वेल। तो मोहितो ग्रीन है कलर का नाम, बहुत सारे लोग इसको पैरोट ग्रीन बोलते हैं, बंगाली में तिया कलर बोलते हैं, कोई लाइम ग्रीन बोल देता है, तो कलर बहुत मस्त है ये कलर का, ऑल्टो बहुत रेयर टू गेट है एंड कस्टमर का डिमांडिंग कलर है कि ये कलर चाहिए। तो आपको तो सामने से शेप देख के दोस्त पता चल ही गया कि न्यू शेप है, यानी एयरबैग के साथ है, म्यूजिक सिस्टम, एयरबैग, सेंट्रल रिमोट लॉक, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी, दिस इज ऑल्टो 2020 मॉडल, 25 तक टैक्स पेड, 18,000 किलोमीटर ओनली ड्रिवन, ओनली 18,000 स्टेपनी अनयूज्ड, माटी ते पड़ी नहीं, फुल ओरिजिनल पेंट, फुल ओरिजिनल पेंट, सीट कवर भी लगा हुआ है ओरिजिनल मारुति का, म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल रिमोट लॉक, सब है गाड़ी में। 20 का ऑल्टो, 25 तक टैक्स पेड, सिर्फ 18,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और आते हैं प्राइस में, सिर्फ के सिर्फ 2,89,000 हम मांग सकते थे, लेकिन रिपब्लिक डे ऑफर जब बोले और राहुल जब आए तो मान सम्मान के चक्कर में मुझे चाहे थोड़ा बहुत प्राइस और नीचा करना पड़ा, हम कर देंगे जरूर आपके लिए 2,89,000 में। ये ऑल्टो को अपना बनाइए, हम कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इंटीरियर का फोटो दिखा दे, क्योंकि भाई ये सब गाड़ी का देखना बनता है। देखो यार, इट्स अ ब्रांड न्यू कार, इट्स अ ब्रांड न्यू कार, मतलब कुछ खर्चा नहीं करना, इसका सील भी दिखाने के लिए हम बोलेंगे कस्टमर को कि एक बार दिखा दे, व्यूअर्स अब देख लीजिए, सील टू सील ओरिजिनल है, एक भी सील ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ मिलेगा आपको, हर एक सील इंटैक्ट मिलेगा, यही है उड़ान ऑन व्हील्स का क्वालिटी। तो आओ राहुल तुम्हें ग्रैंड आइडन दिखाते हैं, ह्युंडई ग्रैंड आइडन है, मैग्ना ऑप्शनल है, 18 का मॉडल है, 28 तक टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सिर्फ 16,000 किलोमीटर चला हुआ, ये भी 16,000 चली हुई है, देखो भाई वहां से स्टार्ट किए 14, फिर 37, फिर आया आपने 18, यहाँ पे आया 16,000 चला हुआ गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट में है, स्टेपनी माटी से पड़ी नहीं, अनयूज्ड है, सारे फीचर्स के साथ है, मैग्ना ऑप्शनल, न्यू शेप है, यानी स्पोर्ट्स में जो फीचर आता था 17 में सब फीचर इसमें है, सब एवरीथिंग, म्यूजिक सिस्टम, डबल एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिमोट, सेंट्रल लॉक, आपका फिर आपका आर्म रेस्ट, एवरीथिंग यू हैव, मतलब कोई खर्चा करना नहीं है, ऑटोमेटिक ओआरवीएम कंट्रोल्स, एवरी फीचर यू हैव इन दिस कार। सो दिस इज ह्युंडई ग्रैंड आइडन 2018 मॉडल, टैक्स पेड टिल 2028, फर्स्ट ओनर, ओनली 16,000 किलोमीटर ड्रिवन, स्टेपनी एब्सोल्युटली अनयूज्ड, ओरिजिनल इन पेंट, आते हैं प्राइस में राहुल ओनली 3,99,000 में, ये गाड़ी को अपने बनाइए, 3,00,000 का डाउन पेमेंट करिए, नहीं सॉरी 3,00,000 का लोन हो जाएगा, 1,00,000 का डाउन पेमेंट करिए, हम 100% आपको फुल ट्राई करेंगे कि लोन आपका हो जाए, नहीं तो आपका अगर प्रोफाइल अच्छा होगा ना तो फुल लोन हो जाए, फुल होता है क्योंकि फुल मैंने भी किया है एक दो कस्टमर का, लेकिन वो राहुल हम कमिटमेंट नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि कमिट अगर वीडियो में मतलब वो अनएडुकेटेड वाला बात है। हाँ। हम कैसे बोलते कि हर एक गाड़ी में फुल फंडिंग होगा, वो तो कस्टमर के ऊपर है। हाँ, वो तो आपका प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कितना है, एग्जिस्टिंग ईएमआई कितना है, डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट कर रहे हो, आपका सिविल स्कोर कितना है, कितना करंट गाड़ी ले रहे हो, ये सब चीज को मिला जुला के फिर होता है 100% फंडिंग। आइए सैलरी, ये स्पेशल सिलेरियो है भाई। अच्छा। एक बात तो ये 25,000 किलोमीटर चला हुआ है, ओनली 25,000 किलोमीटर ड्रिवन,
सेकंड ये 18 का मॉडल है, 28 तक टैक्स पेड है। थर्ड ये सिलारियो का ZXI है, यानी टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन। नामुमकिन है ZXI सिलारियो मिलना, क्योंकि प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता था। कस्टमर हमेशा क्या ढूंढते कि वैल्यू फॉर द मनी, जब नया गाड़ी मतलब लेते हैं। VXI में मुझे सब बेसिक फीचर मिल जा रहा है तो VXI लेंगे। यूज कार में तो यही फायदा है, आपको VXI के रेट में अगर ZXI देते उससे भी कम में देते तो आप नहीं लोगे। यूज़ कार का फायदा तो यही है, यही टॉप मॉडल गाड़ी कम प्राइस में मिलती है। एकदम आप टॉप मॉडल चला सकते हो। हाँ। 18 का मॉडल है, 28 तक टैक्स पेड है, ZXI जैसे बोले 25,000 किलोमीटर चला हुआ, इसका भी स्टेपनी अनयूज्ड है। और एक बड़ा हाईलाइट बोले, फोर्थ हाईलाइट, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ओह बाप रे, कितना एडवांटेज लेंगे भाई। बहुत बढ़िया माइलेज, 17-18 का माइलेज देता है सिटी में एसी चला के। हाईवे में जाएंगे 20-22 के ऊपर माइलेज जो जाता है। न्यू गाड़ी चलाना सीखे हैं उनके लिए तो भाई थ्रो अवे डील है। हाँ। अगर घर में ऐसा है कि आपको खुद को भी ड्राइव करना है, आपका वाइफ को ड्राइव करना है, आपका गर्लफ्रेंड को ड्राइव करना है, आपका मम्मी को ड्राइव करना है, उनके लिए भी बहुत ईजी है। एक ही गाड़ी सारे चीज आपका कवर हो गया। इसमें स्पेस भी है, गुड माइलेज है, हाई रिसेल वैल्यू है, गुड लुकिंग है, फीचर भी है, क्योंकि ये ZXI है तो इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एयरबैग, ABS, EBD, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आपका 4 पावर विंडो, सेंट्रल रिमोट लॉक, ऑटोमेटिक ORVM, पीछे में आपका डिफॉगर, वाइपर तक आ जाता है इतना छोटा गाड़ी में। ZXI है ना टॉप मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन है। तो 18 का सिलेरियो है, ZXI ऑटोमेटिक, फर्स्ट ओनर, 25,000 किलोमीटर ड्रिवन। आते हैं प्राइस में, ऑटोमेटिक सिलेरियो का प्राइस जो देंगे ना भाई, मैनुअल का लोग 399 मांगते हैं अगर ZXI है तो। हम ऑटोमेटिक देंगे, ZXI देंगे, 25,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी देंगे, सिर्फ के सिर्फ राहुल तुम्हारे लिए और आप लोगों के लिए 379,000 में ये गाड़ी को अपना बनाइए। लोन भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सील टू सील ओरिजिनल, सिल्की सिल्वर इन कलर, ब्रांड न्यू। अभी जिनका बजट कम है तो उनके लिए ये सारे गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं दिखाना आपके लिए। वैगनार ये तो इंडिया का मतलब मोस्ट डिमांडिंग कार है, एक समय का अभी भी हाईएस्ट सेलिंग, मतलब बिकता ज्यादा है गाड़ी। तो ये जो गाड़ी है ये आपका है मारुति सुजुकी वैगनार 2016 मॉडल, 26 तक टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसमें सीट कवर भी लगा हुआ है, ब्रांड न्यू कंडीशन, ओनली 19,000 किलोमीटर चला हुआ है, ओनली 19,000 हो रहा है किलोमीटर का खेल, ये होता है किलोमीटर का खेला। तो 19,000 किलोमीटर चला हुआ है, वैगनार है आपका 16 का गाड़ी, 26 तक टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और आते हैं प्राइस में, अब सोच नहीं पाओगे कि 16 का गाड़ी का इतना बढ़िया ओरिजिनल पेंट का गाड़ी को जो प्राइस में हम ऑफर करेंगे आज, 279,000 एकदम। 12 का गाड़ी कितना में मिलता है? 2 लाख में मिलता है, राइट? कोई कोई इसे 3 लाख में बेच रहा है। अरे 100% बेचेगा, वही तो रेट है, वो गलत नहीं कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, वो मेरा ऑप्शन है। हाँ। मुझे कितना में बेचना है। हाँ। बट 3 लाख का रेट भी खराब रेट नहीं है, सही रेट है। हम आपको 279,000 में देंगे, 279,000 में 16 का गाड़ी, 26 तक टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर, सिर्फ 19,000 चला हुआ, स्टेपनी अनयूज्ड, माटी से पड़ी नहीं, सीट कवर तक गाड़ी में लगा हुआ है, सीट कवर। आपको 1 रुपया का खर्चा भी गाड़ी में नहीं करना है, आना है, पेट्रोल भरना है, गाड़ी बस ड्राइव करके ले जाना, ड्राइव करके ले जाना। आइए, जिनका बजट राहुल, जिनका बजट 279 से भी कम है तो वो क्या करेगा, गाड़ी तो देना है, माइलेज अच्छा चाहिए वैगनर जैसा, गाड़ी भी लेना है, टॉल बॉय डिजाइन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उनके लिए ज़ेन एस्टिलो लेके आए हम, वो भी टॉप ऑफ द लाइन VXI, आपको चला हुआ है 34,000 किलोमीटर ओनली ड्रिवन कार, ये है ज़ेन एस्टिलो मारुति सुजुकी का। 13 का गाड़ी है, 28 तक टैक्स पेड है, 13 का गाड़ी है, 28 तक टैक्स पेड है। सोच रहा था गाड़ी को देख के, ज़ेन एस्टिलो इतना अच्छा कंडीशन में कैसे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि कंडीशन बहुत सही है। ये VXI है, यानी इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल रिमोट लॉक, ये ऑटोमेटिक ORVM है। अच्छा, पीछे में डिफॉगर, वाइपर भी है इतना सा गाड़ी में, एंड बहुत स्पेशियस गाड़ी है, बहुत स्पेशियस है, टॉल बॉय डिजाइन है, आप ऊंचा बैठते हो, गाड़ी आराम से ड्राइव करते हो, वैगनर वाला ही इंजन है, सेम माइलेज आपको मिल जाएगा। तो 12 का वैगनर का कितना में बात हुआ था, 2 लाख में बिक्री हो रहा है मार्केट में, तो 13 का ज़ेन एस्टिलो तो ज्यादा दाम होना चाहिए, अगर हम बहुत कम रेट में दे दिए तो मजा आएगा। देखिए अभी 26 जनवरी आ रहा है, छुट्टी का दिन है, रिपब्लिक डे है, एंड सबको छुट्टी मिलेगा तो उस दिन सब लोग घूमेगा, तो गाड़ी लेके क्यों ना हम घूमने जाए। 13 का गाड़ी 28 तक टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर, सिर्फ 34,000 किलोमीटर ड्रिवन, वो भी VXI है, सिलेरियो आपका ज़ेन एस्टिलो का VXI, टॉप ऑफ द लाइन। प्राइस 199,189,179,000 में आके ले जाइए, 179,000 में कोई LXI नहीं दे रहे, VXI मॉडल है, कोई सेकंड ओनर नहीं दे रहे, फर्स्ट ओनर है, बिल्कुल भाई, यही है क्वालिटी, यही है प्राइस, और क्या करेंगे,
बाकी इससे ऊपर निगोशिएट मत करना, वो भी टैक्स पेड है। 28 तक टैक्स पेड है फॉर्च्यूनर गाड़ी। अच्छा, इसमें लोन होगा क्या? इसमें लोन हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, डेढ़ साल तक होगा। बिल्कुल, दो साल भी हो सकता है, काफी है इसके लिए। आइए, जिनका बजट कम है लेकिन 1000 सीसी का गाड़ी मुझे ड्राइव नहीं करना है, मुझे पावरफुल इंजन चाहिए, यानी 1200 सीसी का इंजन चाहिए, लेकिन बजट भाई वही है, कम बजट है, उसमें किस कोई ऑप्शन है? मैक्सिमम डीलर में क्या होगा? नहीं ऑप्शन है, आपको बजट बढ़ाना है, क्योंकि 1.2 जो है आईवीटेक इंजन अगर है तो महंगा मिलता है। कौन बोलता है महंगा मिलता है? उरान ऑन व्हील्स के पास आइए, आइए दोस्त, ये देखिए मिल्की व्हाइट कलर के ऊपर ये आपका होंडा ब्रायो है, 12 का डिसम्बर, यानी 13 ही है ऑलमोस्ट, लेकिन प्राइस लेंगे 12 के हिसाब से, चाहे वो जनवरी का हो चाहे वो दिसंबर का हो, अगर ईयर 2012 है रजिस्ट्रेशन तो वही प्राइस होगा। होंडा ब्रायो है, 12 का दिसंबर का गाड़ी है, 27 का दिसंबर तक टैक्स पेड है। किलोमीटर पूछो कितना होना चाहिए एक 12 का गाड़ी को चलना चाहिए? 50-60 हजार। अरे भाई 24,000 किलोमीटर चला हुआ है, 24,000 किलोमीटर ड्रिवन, सारे लेस ड्रिवन गाड़ी दिखा रहे, 24,000 किलोमीटर ड्रिवन होंडा ब्रायो, फर्स्ट ओनर नहीं है ये, सेकंड ओनर, सेकंड ओनर क्यों है वो भी बता दे रहे, पहले गाड़ी कंपनी के नाम में था, फिर कंपनी का डायरेक्टर के नाम में हो गया, ये टैक्सेशन के लिए बहुत सारे कंपनी करता है, क्योंकि गाड़ी जब खरीदते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, फिर जब काम हो जाता है तो अपने नाम में कर लेता है, तो सेकंड ओनर है, होंडा ब्रायो है, SMT है, कोई EMT गाड़ी नहीं है, तो इसमें म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 4 पावर विंडो, सेंट्रल रिमोट लॉक, सब फीचर है, सब कुछ है, आपको फीचर लैग नहीं होगा, मिल्की व्हाइट कलर के ऊपर है, 24,000 किलोमीटर चला हुआ है, ब्रांड न्यू कंडीशन है, 12 का दिसंबर का गाड़ी, 27 का दिसंबर तक टैक्स पेड, सेकंड ओनर, प्राइस हो जाए धमाका, तो भाई धमाका भी कितना भी करेगी, 1.2 IVT के, यानी होंडा का इंजन है, 24,000 चला हुआ, ये अमेज का सेम इंजन है, 24,000 चला हुआ, वो भी व्हाइट कलर में, धमाका करेंगे भी तो 2 लाख के नीचे तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, 1,99,000 अगर हम तुम्हारे लिए वन शॉट 1,79,000 करते तो कैसा लगेगा? मजाक कर रहे थे, मजाक नहीं कर रहे भाई, सही बोल रहे, सेम प्राइस। अब देख लीजिए 1.2 का मजा उठाना है कि 1 लीटर इंजन का मजा उठाना है, 13 का गाड़ी लेना है कि 12 का दिसंबर का गाड़ी लेना है, तो आपका डिसीजन है। यार तीनों जो गाड़ी दिखाए राहुल, 2,79,000 फॉर वैगनआर, 1,79,000 फॉर एस्टिलो जेन एस्टिलो, एंड 1,79,000 फॉर होंडा ब्रायो, और सारी कम चली हुई गाड़ियां है, एवरी कार लेस ड्रिवन विद इंजन गियरबॉक्स का वारंटी विद दैट आपको फुल एश्योरेंस मिलेगा कि गाड़ी का जो इंजन गियरबॉक्स है वो सही है, 130 चेक पॉइंट से गाड़ी है, गाड़ी मीटर टेम्पर्ड नहीं है और गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। देखिए ऑप्शन कितने सारे दिखाए, सेडान्स दिखा दिए, हैचबैक्स दिखा दिए, सब दिखाए, SUV दिखा दिए, और बाकी भाई ये तो सेकंड लॉट का है, फर्स्ट लॉट में और भी गाड़ी था, वो वीडियो बनाने का मौका मुझे कस्टमर लोगों का प्यार मोहब्बत से मिला ही नहीं, मिला ही वो सब निकल गया, सब निकल गया, तो फिर जाके सेकंड लॉट में बहुत ही कम समय के अंदर हम लेके आए तुम्हारे लिए, क्योंकि ढूंढना पड़ता है ये सब गाड़ी, उतना इजीली नहीं मिलता है। बिल्कुल, डस्टर कहाँ मिलेगा तुम्हें? मुझे पता है दोस्तों कि डीलर लोग कितना मेहनत करके गाड़ियां प्रोक्योर करते हैं, मतलब उनके लोग, प्लीज आप लोग उनके लिए ये आप ये करें, अप्रिशिएट करें, नहीं अप्रिशिएट नहीं करना है, बाकी बस आपको एक ही चीज बोलेंगे कि आप आशीर्वाद देना, अगर आप मेरे से उम्र से ज्यादा हो, अगर मेरे उम्र से आप कम में हो तो थोड़ा प्यार दिखाना। बिल्कुल, बाकी हम तो ट्राई करेंगे, जब तक जिंदा है तब तक अच्छे से अच्छे गाड़ी आपको देना है, और अच्छे के अच्छे प्राइस में देना है, उसका खुद एग्जांपल उड़ान ऑन व्हील्स लास्ट 2 साल में दे दिया है। कोई कस्टमर अगर अच्छा गाड़ी बेचता है ना, उसको लगता है कि हाँ मेरा गाड़ी में कोई बात है, तो जो सेलर होता है उसको वो बोलता है नहीं मुझे इतना प्राइस ही चाहिए, तो उतना प्राइस में खरीदना ही पड़ता है, उसमें से चैलेंजिंग प्राइस निकाल के देना भी पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आप आइए उड़ान ऑन व्हील्स में, गाड़ी देखिए, पसंद करिए, एश्योरेंस फुल है, हम लोग जैसे कस्टमर सपोर्ट देते हैं 24/7 कोई नहीं देगा भाई, एकदम कोई नहीं देगा, मेरा पर्सनल नंबर कस्टमर को मिल जाता है जब कस्टमर ने गाड़ी खरीद लिया, और आपका आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छा है, तुम तो सुने हो मेरे आफ्टर सेल्स के ऊपर, तो आफ्टर सेल्स टॉप नॉच है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब रिव्यू सेक्शन में जाएंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा, वही काम है, बाकी ऊपर वाला है, हम तो ट्राई करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छे गाड़ी ढूंढ के लेके और अच्छे से अच्छे प्राइस में आपको दे, गाड़ी बेचने के बाद आपको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, भूलना कोई बात ही नहीं, कोई कस्टमर यहाँ से गाड़ी लेता है ना तो सारे फैमिली बन जाता है, सारे फैमिली भाई इन्वाइट करते घर में, ये पूछ रहे दीपांजन एक बार आओ इसका घर में शादी आओ, हम जाते भी है, कमेंट भी करते हैं, कमेंट भी करते, यही तो बात है उड़ान ऑन व्हील्स का, हम फैमिली है, ये ड्रीम एंड ड्राइव वाला मामला है, इसका ड्रीम करेंगे तो ही ड्राइव कर पाएंगे, और ड्रीम को फुलफिल करेगा उड़ान ऑन व्हील्स कोलकाता में, साउथ कैलकाटा में, हम लोगों का जो रेपुटेशन बना हुआ है उसके लिए जितना मेहनत करना होगा हम करने के लिए रेडी है एकदम। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।